इंटेक्स का क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये इंटेक्स में गिवन है 10.9 और 6.9 न्यू बुक में होगा या ओल्ड बुक में 10.9 होगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो गिवन है रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड गिवन है जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रयोग में डाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये आपको बताना है। तो आपने अभी पढ़ा है कि मैग्नीशियम किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ बन जाएगा ए में। बी में देखिए यदि हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो डाइवेलेंट होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बीआर से अटैच होगा और इसके किससे ओएच से। तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे आपका बी जो है वो क्या बनेगा साइक्लोहेक्सेन, क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन और बाई प्रोडक्ट जो है आपका निकलेगा मैग्नीशियम ओएच बीआर। कहां से हुआ तो अभी आपने पढ़ा था कि ओएच जो है वो ब्रेक होगा, मतलब इसको हम ये राइट कर सकते हैं एचओएच, एच जो है अटैच हो जाएगा मतलब किसके साथ साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो यहां पे ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन और प्लस क्या बनेगा एमजीओएच बीआर। तो बी आपका ये होगा और ए आपका ये होगा। अब देखिए आगे आर बी आर की रिएक्शन फिर मैग्नीशियम से कराना है और आपको सी बताना है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या आर एम जी बी आर, क्या बन जाएगा आर एम जी बी आर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी टू ओ लिया हुआ है, डी टी ओ का मतलब है कि हैवी वाटर, मतलब आपने आइसोटोप हाइड्रोजन के पढ़े होंगे तो जिसमें ड्यूटेरियम यूज होगा वो डी टी टू ओ, डी टू ओ है मतलब ये हैवी वाटर है। तो ये आपका बन गया प्रोपेन और बाई प्रोडक्ट आप निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा एम जी ओ डी बी आर, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा एम जी ओ डी बी आर जैसे उसमें बना। अब देखिए यहाँ ये जो रिएक्शन के लिए ये बूट्स रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है बूट्स रिएक्शन, कैसे तो सोडियम मेटल के साथ हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है ईथर के। तो आपको यहाँ पहचानना है कि आर डैश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या पहचानना है कि आर डैश यहाँ पे क्या है। और यदि आप यहाँ आर को यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आर के प्लेस पे क्या लिखे हैं, यहाँ आर के प्लेस पे क्या लिखे हैं आपका सी एस टी सी एस सी एस टी, मतलब आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या इस आर के प्लेस पे आप राइट कर सकते हैं सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, मतलब ये प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा ये आर के प्लेस पे। अब देखिए इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो देखिए कौन सी रिएक्शन है बूट्स रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है बूट्स रिएक्शन है क्योंकि ये सोडियम मेटल के साथ भी ईथर के प्रेजेंट में हो रही है। अब आपको देखना है कि आर डैश यहाँ पे क्या है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे बूट्स रिएक्शन में जितना आर होता है उसका डबल बनता है, तो यहाँ पे ये सी है यहाँ पे भी सी है तो आर डैश आपका क्या हो जाएगा आर डैश आपका हो जाएगा सी, सी के साथ यहाँ सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे भी क्या सी एस थ्री, मतलब सी एस थ्री होल थ्राइस सी एक्स होगा इस आर के फेस पे आपका क्या हो जाएगा सी एस थ्री होल थ्राइस सी, ये किसके वो प्लेस पे होगा आर के प्लेस पे होगा। अब जो है इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसी का क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखिए कैसे बनेगा सी है सी के प्लेस पे क्या हो गया सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीशियम डाइवेलेंट है तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम एक्स लिखा है तो आप एक्स ही लिख देंगे मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराना है तो वाटर के साथ जब कराएंगे तो आपको अभी हमने बताया है कि एच ओ एच, तो जो मैग्नीशियम है ओ एच एक्स के साथ रिएक्ट करेगा और एच यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका क्या बन जाएगा सी के साथ यहाँ सी एस थ्री है यहाँ भी सी एस थ्री है यहाँ भी सी एस थ्री है और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। फिर से आप देखिए ये कैसे हमने इसको इमेजिन किया कि आर डैश होगा, यहाँ पे देखिए इसका डबल बना ये बूट्स रिएक्शन है तो मतलब एक आर आपका ये होगा सी एस थ्री होल थ्राइस सी और सेकंड आर आपका ये होगा, तो यहाँ पे आर डैश के प्लेस पे क्या हो जाएगा सी एस थ्री होल थ्राइस सी और यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या हो जाएगा सी एस थ्री होल थ्राइस सी नहीं सी एस थ्री होल थ्राइस सी एम जी एक्स और ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा सी एस थ्री होल थ्राइस सी एच,